यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नंबर पार्ट नंबर 5। ठीक है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना, समीकरण एक मानेंगे समीकरण दो। तो मैं समीकरण दो से यूज़ कर रहा हूँ अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 8y एंड x इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y। ठीक है, ये हो गया। x का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर x का मान जो आया उसको समीकरण नंबर एक में पुट कर देंगे, ये अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। तो x का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, इनको x की जगह पे रखेंगे अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। तो यानी कि y इक्वल टू 0 आएगा, सामने कोई कांस्टेंट नहीं है। जब बराबर में कोई कांस्टेंट नहीं होता है तो x का मान भी 0 आता है, y का मान भी 0 आता है। y कॉमन ले लेंगे, अगर भले ही अंडर रूट 8 धुनी 16 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, तो ये सब 0 के अपॉन में चला जाएगा, y इक्वल टू 0। y का मान x किसी भी समीकरण में रखेंगे, समीकरण एक में या दो में, तो x का मान भी 0 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, बराबर में अगर 0 है तो डायरेक्ट आंसर अगर देना होता है किसी कंपटीशन वगैरह में, तो बराबर में क्या, ये भी 0 यहाँ भी 0, तो x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा। आप सोल्व करें तभी भी, और ना सोल्व करें तो भी आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, x बराबर 0 एंड y बराबर 0। यहाँ तो सोल्व करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्लास में करके दिखाना है ना, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सोल्यूशन देना। जैसे हमारा y बराबर 0 आ गया, तो y का आंसर निकल एक में या दो में रखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक पार्ट इसका और बचता है, पार्ट नंबर है हमारा 6। ठीक है, और 3y टू x माइनस का 5 अपॉन 3y इक्वल टू, ये माइनस 2 है कि 2 है, आपको यहाँ ध्यान नहीं आ रहा। x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 3rd एन अपॉन 6। चलो 2 होगा या माइनस 2 होगा, जो भी है, मतलब मेथड वही है, मेथड्स किया जा सकता है, हो सके माइनस 2 हो। ठीक है, चलो मान लिया माइनस 2 करके हम कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। और किसी एक समीकरण से x का या y का मान समीकरण दूसरी में रख देना है। मान लिया मैं समीकरण एक से रख देता हूँ, ये है वाई इक्वल टू माइनस 2, तो 3/2 एक्स इक्वल टू 5/3 वाई माइनस 2, और यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 3, तो होगा 5/-6 3x/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाइंगे 5/-6 अपॉन 3 × 9। x का मान आ गया, x का मान समीकरण नंबर एक से निकाला दो में रखने पर, x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो था x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। x का मान रखा 2, 5/-6 अपॉन 9 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। तो यहाँ से हमारा y का मान निकल आएगा, y का मान जो आएगा उसको किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे, चाहे तो 1 में या 2 में, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अपॉन 9 इंटू 5/-2 इंटू 6 अपॉन 9 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। ये समीकरण को हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, 2 इंटू 5 यानी कि 10/9 / 12/9 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। ये y वाले एक साथ ले लेंगे, इसको इधर पहुंचा देते हैं, 10/9 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6 प्लस 12/9। यहाँ y कॉमन लेंगे, 10/9 प्लस 1/2 इक्वल टू 36, 6×36 6 आएगा, भाग देने पर 6×36 13×6 9×36 12×4। इधर भी लघुत्तम ले लेंगे, उसके बाद सोल्विंग करके y का मान निकल आएगा, y का मान समीकरण नंबर एक में या दो में पुट कर देते हैं। तो इधर हम लघुत्तम ले रहे हैं, या 9 और 2 का 18, 9 से 18 गुणा की 2 आएगा, 2 की गुणा 10 में 10/2 प्लस 2 से भाग देंगे 2×18 = 9 आएगा, 2 1 की गुणा में जाएगा इक्वल टू 13×6
तिरछक 78 प्लस 12 48 बटे 36 वाई 20 प्लस 9 बटे 18 इक्वल टू 16 तो 12 बटे 36 तो ये हो जाएगा वाई इंटू 29 बाई 18 इक्वल टू 126 बटे 36 वाई इक्वल टू 126 गुणा 18 36 गुणा 29। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, y का मान निकालेंगे और y का मान किसमें समीकरण एक में या दो में पुट कर दिया है जिससे हमारा x का मान भी आ जाएगा।